हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ़ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मैथ्स क्वेश्चन पेपर ऑफ़ क्लास सिक्सथ ये पी टू का क्वेश्चन पेपर है आपका केवी प्रीवियस ईयर का तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है जब एग्ज़ाम आए तब दिखाने का फायदा नहीं है आप देख लीजिए पेपर कैसा आता है आपकी कितनी प्रिपरेशन है सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग अब अपने आप को प्रिपेयर कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं फोर्टी मार्क का पेपर होता है आपका ये तो आप जानते हैं नाइन्टी मिनट्स का यानी कि वन एंड हाफ आवर में आपको कंप्लीट करना होता है डिस्कस अभी डिस्कशन शु, शुरू करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको टैप कर दीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स बिगेन नाउ चलिए पहला क्वेश्चन है द कलर्स ऑफ फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकैलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया हुआ है लोगों को किस कलर के फ्रिज पसंद है ब्लू ये पिक्चर्स बनाई हुई है और इस एक पिक्चर का मतलब है टेन पीपल ओके देन ग्रीन देन रेड एंड देन व्हाइट और क्वेश्चन है नीचे नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कलर रेड कलर कितने लोगों को पसंद है तो देखिए रेड कलर में कितने सिम्बल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एंड अ हाफ और आप जानते हैं वन सिंबल टेन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फाइव सिंबल्स फिफ्टी को करेंगे और हाफ सिंबल जो आपका वो फाइव को करेगा अगर एक टेन को करता है क्योंकि ये हाफ ही बनाया हुआ है तो दैट मीन्स आंसर विल बी फिफ्टी फाइव तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइंगल ऑफ साइड थ्री फोर एंड फाइव सो द पेरीमीटर विल बी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर से पेरीमीटर आपको बताना है ट्राइगल का पेरीमीटर सिंपल होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स आप तीनों साइड्स का सम कर दीजिए पेरीमीटर मिल जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व तो ट्वेल्व सेंटीमीटर या फिर ट्वेल्व मीटर या फिर ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सिक्सटी सेंटीमीटर ये क्वेश्चन मैंने आपको जब कराया ये चैप्टर तब भी बताया था कि कई बार क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर यूनिट्स चेंज करके दे देते हैं तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर ही रहेगी और पेरीमीटर की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होती स्क्वायर लगता है आपके एरिया के आगे तो यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है द लेंथ 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 ऑफ अ यंग ग्राम ग्राम प्लांट प्लांट इज 65 65 इट्स इन सेंटीमीटर एक की है आप लेंथ बताइए सेंटीमीटर में कितनी है तो आप जानते हैं कि वन सेंटीमीटर को फॉर्म होने के लिए टेन एम एम चाहिए जब भी आपको कभी एमएम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं टेन से तो सिक्सटी फाइव को आप जब टेन से डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे वन के पीछे एक जीरो है ऊपर वन डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लग जाएगा आंसर विल बी सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर तो देखिए सबसे पहले तो माइनस टू एंड माइनस फोर दोनों आपके लाइक like टर्म्स हैं दोनों ही नेगेटिव हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस सिक्स और पीछे प्लस एट है माइनस सिक्स प्लस एट कितना होगा प्लस टू दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ओके सेक्शन बी पर आते हैं टू मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल हेक्सागन आप जानते हैं इसकी सिक्स साइड और रेगुलर का है रेगुलर का मतलब होता है किसी भी फिगर के अगर रेगुलर लग जाए मतलब कि उसकी सारी साइड्स इक्वल अगर एक एल है तो सभी साइड्स एल ही होगी एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल अब इसका आप बताइए कितना होगा एल को ही यूज करके तो पैरीमीटर लिखेंगे आप एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल दैट मीन्स कितनी बार एल होगा सिक्स टाइम्स और रिपीटेड एडिशन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन तो आंसर विल बी सिक्स एल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेबल टॉप इज मेजर्ड टू मीटर एंड बाय बाय का मतलब होता है दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ वन मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर वॉट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर टेबल स्क्वायर इन स्क्वायर मीटर तो एरिया आपके टेबल रेक्टेंगल फॉर्म में होगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इन टू ब्रेथ तो लेंथ कितनी है टू मीटर और ब्रेथ कितनी है वन पॉइंट फाइव जीरो बिकॉज सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना पड़ेगा डेसिमल के आगे आप मीटर लिखते हैं डेसिमल के बाद आप सेंटीमीटर्स लिखते हैं इनको मल्टीप्लाई करिए टू जीरो जार जीरो टू फाइव जारू फाइव जर टेन जीरो कैरी वन टू वन जार टू प्लस वन थ्री थ्री हंड्रेड और क्योंकि क्वेश्चन में एक आपके जो डिजिट्स थी उसमें डेसिमल के बाद दो नंबर थे तो आंसर में भी डेसिमल के बाद दो नंबर्स होने चाहिए सो आंसर विल बी थ्री स्क्वायर मीटर दिस विल बी योर आंसर ओके नेक्स्ट इज सब्रैक्ट थ्री बाई फोर फ्रॉम फाइव बाई सिक्स यानी फाइव बाई से आपको सब्ट्रैक्ट करना है थ्री बाई फोर कोई सिक्स माइनस थ्री बाय फोर सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं सीधा इस यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं विच इज रॉन्ग तो पहले आप सिक्स और फोर का एलसीएम लेंगे सिक्स टू जार ट्वेल्व एंड फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेल्व क्योंकि दोनों के टेबल में आता है तो आप यहाँ पर ट्वेल्व लिखेंगे अब देखिए सिक्स को आपने ट्वेल्व बना दिया क्योंकि डिनोमिनेटर आपने कॉमन कर दिया किससे मल्टीप्लाई किया होगा टू से बिकॉज सिक्स टू जार ट्वेल्व आप ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करिए फाइव टू जर टेन फोर थ्री जार ट्वेल्व ऊपर भी थ्री से होगा थ्री थ्री जर नाइन टेन माइनस नाइन इज वन आंसर विल बी वन बाई टू वन एंड फाइव टेंसीमल के पहले वन टेंस हंड्रेड चलता है डेसीमल के बाद टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ऐसे चलता है उसने कहा टू वंस तो टू वंस यहाँ आएगा और फाइव टेंस यहाँ आएंगे आंसर विल बी टू पॉइंट फाइव ओके ये टू मार्कर्स थे सेक्शन सी पर आते हैं थ्री मार्क के क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है पीस ऑफ स्ट्रिंग इज थर्टी सेंटीमीटर लोग एक स्ट्रिंग एक धागा है थर्टी सेंटीमीटर उसकी लेंथ है वॉट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर आपने इस स्ट्रिंग को फोल्ड करके एक स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर की सभी साइड्स बताइए अब जब किसी भी चीज़ को आप फोल्ड करके कोई टूडी फिगर बनाते हैं तो ध्यान रखना जो लेंथ होती है आपकी वायर की स्ट्रिंग की वो आपके शेप का पेरीमीटर हो जाता है दैट मीन्स यहाँ पर आपके स्क्वायर का पेरीमीटर थर्टी है अगर आपने उसको स्क्वायर में फॉर्म किया है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड होता है फोर इंटू साइड इज इक्वल्स टू थर्टी तो साइड कितनी हो जाएगी ये फोर इधर इंटू में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा थर्टी बाई फोर अब फोर की टेबल थर्टी पर चलाइए आंसर क्या होगा फोर सेवन जार ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी टू रिमाइंडर डेसिमल लगाएंगे ट्वेंटी बनेगा फोर फाइव जार ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो इसका आंसर है सेवन पॉइंट फाइव इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है थ्री इंटू साइड क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती, होती है और तीनों इक्वल होती है दैट मीन्स थ्री इंटू साइड इक्वल्स टू थर्टी ये सेकंड का आंसर है बी पार्ट का तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थर्टी बाई थ्री दैट मीन्स टेन तो इसका आंसर हो जाएगा टेन नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागन हेक्सागन में आप जानते हैं सिक्स साइड्स होती है और इसका पेरीमीटर होता है सिक्स इंटू साइड तो सिक्स इंटू साइड इक्वल्स टू थर्टी तो साइड कितनी हो जाएगी साइड विल बी थर्टी बाई सिक्स सिक्स फाइव आर थर्टी दैट मीन्स फाइव सेंटीमीटर तो ये आपके आंसर्स होंगे आप अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बस ये देख लीजिएगा कि जो आंसर्स है वो सेम रहने चाहिए सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स बी का आंसर होगा टेन सेंटीमीटर और सी का आंसर होगा फाइव सेंटीमीटर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आकाश बॉट बॉट वेजिटेबल वेइंग टेन के आकाश टेन के जी वे, वेजिटेबल्स लाया है टोटल थ्री के जी फाइव हंड्रेड ग्राम्स आनियन है टू के जी सेवेंटी फाइव ग्राम्स टमाटोज है एंड रेस्ट आर पोटैटोज आपको पटेटोज का वेट बताना है तो सबसे पहले तो आप अनियन और जो टमाटोज हैं उनका वेट ऐड कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि टोटल में से इन दोनों का वेट कितना है थ्री के जी इधर हम लोग के जी लिखते हैं इधर ग्राम्स लिखते हैं के जी है थ्री फाइव हंड्रेड ग्राम्स अनियन है ठीक है दिस इज इस अनियन इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट टमाटोज कितने हैं टू के जी सेवेंटी फाइव ग्राम सेवेंटी फाइव ग्राम्स में याद रखना आप जीरो सेवन फाइव लिखेंगे अगर आपने सेवन फाइव लिख दिया खाली तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका ऐड करिए फाइव सेवन फाइव फाइव दैट मीन्स फाइव के जी फाइव सेवेंटी फाइव ग्राम्स ये हैं आपके टमाटोज और सॉरी यस टोमेटोज एंड अनियन का वेट अब आपको निकालना है पोटेटोज का तो टोटल वेट में से इन दोनों वेट्स को माइनस कर दीजिए टोटल वेट कितना था टोटल वेट था टेन के जी और कितने ग्राम्स कुछ भी ग्राम्स नहीं यानी कि जीरो 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 ग्राम्स और अनियन एंड टोमेटोज का वेट कितना था फाइव के जी फाइव सेवेंटी फाइव ग्राम्स इसमें से सब ट्रैक्ट करिए जो आंसर होगा वो पोटेटोज का वेट आएगा आपका तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो से आप माइनस करेंगे फाइव को जो नहीं होगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ पर नाइन बचेगा यहाँ पर टेन होगा फिर यहाँ नाइन बचेगा यहाँ पर टेन होगा यहाँ पर नाइन होगा यहाँ पर टेन होगा टेन माइनस फाइव इज फाइव फोर के जी फोर सेवन फाइव ग्राम का वेट है आपका क्लियर है ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता पहले जो गिवन है उन दोनों का सम निकालिए फिर टोटल में से उन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जो रिमेनिंग आपका वेट है वो आपका आंसर आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब परचेस्ड फॉर लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर मंथ्स इन अ ईयर पहले चार महीने में ये आपके जो बल्ब्स हैं ये परचेज किए हैं खरीदे गए हैं जनवरी में ट्वेंटी फेबर में ट्वेंटी फाइव मार्च में थर्टी अप्रैल में थर्टी फाइव आपको पिक्टोग्राफ बनाना है तो देखिए पिक्चर्स के थ्रू आप ऐसे दिखाएंगे जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मंथ्स लिख लीजिए उसके बाद बल्ब के सिंबल बनाइए और एक बल्ब के सिंबल को सपोज करिए आपने ऐसा कोई सिंबल बनाया एक बल्ब के सिंबल को फाइव बल्ब से ट्री ज़्यादा लग रहा है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है आप देख लेना इसको फाइव बल्ब्स का नाम दीजिए कि ये फाइव बल्ब्स को रिप्रेजेंट करता है तो जनवरी में आप ट्वेंटी बल्ब्स थे तो कितने बल्ब्स की पिक्चर बनाएंगे फोर की फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी ट्वेंटी फाइव था सॉरी तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव Sorry, यहां पर फाइव बनाएंगे यहां पर फाइव सिक्स छह बल्ब बनाएंगे यहाँ पर सेवन बल्ब बनाएंगे वो आपका पिक्टोग्राफ बन जाएगा सिंपल पिक्चर्स के थ्रू आप दिखा दीजिएगा लेकिन जरूरी है ट्वेंटी बल्ब हैं तो आप ट्वेंटी बल्ब की पिक्चर बनाए की यूज करिए और एक बल्ब को कुछ नंबर ऑफ बल्ब में कन्वर्ट कर दीजिए वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीटी रन अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड सेवेंटी फाइव मीटर सो स्वीटी एक पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी साइड आपको मीटर गिवन है आफ्टर दैट बुलबुल रनस अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद विथ सिक्सटी मीटर एंड ब्रेथ फोर्टी फाइव मीटर अब एक और लड़की है बुलबुल जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है हु कवर्स लेस डिस्टेंस कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो देखिये सिंपल सी बात है स्विटी दौड़ रही है स्क्वायर पार्क जिसकी साइड सेवनटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव है और ये दौड़ रही है एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ सेवेंटी फाइव और ब्रेथ फोर्टी फाइव है ओके अब आपसे पूछा हुआ है सॉरी लेंथ सिक्सटी ब्रेथ फोर्टी फाइव लेथ डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है तो सिंपल सी बात है जब आप किसी उसके चारों तरफ दौड़ेंगे तो आप उसके पेरीमीटर पर ही दौड़ेंगे चारों तरफ यानी कि यहाँ तो दोनों का पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए जिसका पेरीमीटर कम होगा वही कम डिस्टेंस uh, ट्रैवल uh, कर रहे हैं कम डिस्टेंस रन कर रही हैं तो पहले स्वीटी का निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ जो आपका स्क्वायर पार्क है अराउंड विच स्वी स्विटी इज रनिंग दैट इज फोर इन साइड क्योंकि पेरीमीटर आपका स्क्वायर का फोर इंटू साइड होता है फोर इंटू सेवेंटी फाइव फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी टू कैरी फाइव सेवन जार थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू इज थर्टी सेवन तो थ्री सेवेंटी सेंटीमीटर थ्री सेवेंटी मीटर्स तो स्वीटी दौड़ रही है अब बात करते हैं बुलबुल -बुल की बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है जिसकी जिसका पेरीमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो ये हो जाएगा टू इंटू लेंथ है आपकी सिक्सटी सिक्सटी सॉरी दिस इज सिक्सटी ब्रेथ इज़ 45. 16 सिक्सटी एंड फाइव को ऐड करिए आंसर विल बी हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव को टू से आप मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव जार टेन कैरी वन वन टू वन जार टू टू हंड्रेड एंड टेन सेंटीमीटर्स कहाँ वो थ्री सेवेंटी दौड़ रही है कहाँ ये सिर्फ टू हंड्रेड एंड टेन सेंटी सॉरी मीटर्स रन कर रही है मीटर तो ऑब्वियसली कौन लेस कवर लेस डिस्टेंस हु इज़ कवरिंग दैट इज़ बुलबुल तो आंसर हो जाएगा आपका बुलबुल बुल। पहले आप इसका पेरीमीटर निकालिए स्क्वायर पार्क का फिर आप रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालिए फिर आप बताइए कि कौन सा किसका पेरीमीटर लेस है आगे आते हैं द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन सिक्स कन्जिक्यूटिव डेज छः दिनों तक जो एक शॉपकीपर ने बुक्स बेची हैं उनका डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है संडे को सिक्सटी फाइव मंडे फोर्टी ट्यूजडे वेस्जडे थर्सडे एंड फ्राइडे ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस तो देखिए आपको सेवेंटी तक जाना है यहाँ पर बार ग्राफ कौन सा अच्छा रहेगा आई थिंक टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी का गैप आपका यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर अच्छा रहेगा टेन ट्वेंटी थर्टी आप ग्राफ पे बनाएंगे ऑब्वियसली फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी एटी तक भी आप जा सकते हैं ये है नंबर ऑफ़ बुक सोल्ड इनको एक्सेस को बताना मत भूलना जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बुक सोल्ड वाले का एक्सेस है और यहाँ पर ये है डेज डेज में सबसे पहले बात करते हैं मंडे की संडे सॉरी संडे सिक्सटी फाइव तो संडे का बार यहाँ पर है मान लीजिए आपका ये सिक्सटी फाइव है तो सिक्सटी और सेवनटी के बीच में जो सिक्सटी फाइव ये आपका इतना बड़ा हो जाएगा बार नेक्स्ट मंडे है फोर्टी फोर्टी ये रहा इक्वल गैप सबके बीच में रहेगा बार्स के बीच में दिस इज़ ये मंडे संडे ट्यूजडे थर्टी है तो ये यहाँ पर थर्टी हो जाएगा एक बार वेनजे फिफ्टी है फिफ्टी हो जाएगा इसको थोड़ा सीधा रखना क्योंकि ये इसमें थोड़ा टेढ़ा जा रहा है थर्सडे तो को ट्वेंटी है तो ट्वेंटी की ये यह यहाँ से देख लेना ट्वेंटी की साइड तक जाना चाहिए उसके बाद सेवेंटी है तो ये सेवेंटी चला जाएगा इस तरीके से आपका ये बार ग्राफ बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्लस टेन पॉइंट फोर टू फाइव प्लस टू एड करना है आपको और डेसिमल में ऐड हमेशा लाइक like टर्म्स होती हैं अगर आपको जीरो पॉइंट सेवन फाइव आपने लिखा ओके okay, फिर आपको लिखना है टेन पॉइंट फोर टू फाइव तो यहाँ पर आपका डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए कंडीशन बस इतनी ही है तो यहाँ पर आएगा डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो जीरो 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 लिख दीजिए जहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ नहीं है वहाँ पर ज़ीरो लिख दीजिए ओके अब इनको ऐड करिए फाइव फाइव प्लस टू इज़ सेवन सेवन प्लस फोर इज़ इलेवन कैरिंग वन टू प्लस वन इज थ्री एंड वन आंसर विल बी थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव थर्टीन पॉइंट वन सेवन फाइव ओके नेक्स्ट है एटीन पॉइंट फाइव आपने एटीन पॉइंट फाइव लिखा माइनस करना है सिक्स पॉइंट सेवन नाइन तो वही बात है डेसिमल के नीचे डेसिमल कंडीशन है जहाँ पर नंबर नहीं है जीरो आएगा तो यहाँ पर जीरो आएगा अब सब करिए जीरो में से नाइन माइनस नहीं होगा यहाँ आ गया यहाँ पर फोर बचा यहाँ पर टेन हो गया टेन माइनस नाइन इज वन फोर से सेवन माइनस नहीं होगा यहाँ पर सेवन जाएगा यहाँ पर फोर्टीन हो जाएगा फोर्टीन माइनस सेवन इज सेवन जैसी यहीं पर आ गया सेवन माइनस सिक्स इज वन और वन आज इज आंसर विल भी एलेवन पॉइंट एलेवन पॉइंट सेवन वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू एटी पॉइंट सिक्स नाइन टू हंड्रेड पॉइंट पॉइंट सिक्स नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू ओके एंड थर्टी एट आप पॉइंट लगा दीजिए थर्टी एट के बाद जीरो जीरो लिख दीजिए यहाँ पर जीरो लिख दीजिए आपको ऐड करना है सो so आंसर क्या हो जाएगा नाइन एंड ही हैं सभी नाइन सिक्स प्लस टू इज़ एट डेसीमल फाइव प्लस एट थर्टीन कैरी वन ओके एट प्लस वन इज़ नाइन नाइन प्लस टू इज़ इलेवन एलेवन प्लस थ्री इज़ फोर्टीन कैरी वन टू प्लस वन इज़ थ्री आंसर इज़ थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट एट नाइन ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इलेवन पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस नाइन पॉइंट एट फोर सेवन सब करिए जीरो जीरो आप यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि कहा गया है अगर नंबर नहीं है तो ज़ीरो लगाइए यहाँ से माइनस करना है इसके पास जाएगा यहाँ पर फाइव बचेगा यहाँ टेन हो जाएगा यहाँ पर नाइन बचेगा टेन हो जाएगा टेन माइनस सेवन इज थ्री नाइन माइनस फोर इज़ फाइव फाइव नहीं होगा फिफ्टीन यहाँ नाइन बचे सॉरी टेन बचेगा ओके okay, फिफ़्टीन हो जाएगा फिफ्टीन माइनस एट इज़ सेवन टेन माइनस नाइन इज़ वन पॉइंट यहाँ पर आएगा वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री ये इसका आंसर होगा ओके आगे आते हैं स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इन टू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया एरिया फाइंड करने आपको इसके आपको स्प्लिट करके तो देखिए सबसे पहले कुछ लाइन्स ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से इसको यहाँ से इसको और इसको अब देखिए ये सेवन है क्योंकि तो ये भी सेवन होगी ये सेवन है तो ये सेवन होगा ये सेवन था तो ये भी सेवन होगा दिस सेवन देन दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सेवन अब देखिए क्या शेप्स यहाँ पर बन रही है सभी शेप्स को देखते हैं इसकी चारों साइड सेवन है यानी कि साइड सेवन का एक स्क्वायर बन रहा है सिमिलरली इसकी भी सारी साइड सेवन है ये भी एक स्क्वायर बन रहा है ये ये भी square, ये भी स्क्वायर स्क्वायर और एक स्क्वायर बीच में सेम डायमेंशन के सेवन साइड के आपके वन टू थ्री फोर एंड फाइव बन रहे हैं आप एक का एरिया निकाल लीजिए और इंटू फाइव कर दीजिए तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड दैट मीन्स सेवन इंटू सेवन क्योंकि आंसर इज फोर्टी नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर्स अब ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द फिगर जो आपको स्प्लिट होने के बाद मिले हैं वो है फाइव तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा टोटल एरिया विल बी फोर्टी नाइन इंटू फाइव फाइव नाइनज आर फोर्टी फाइव कैरी फोर फाइव फोर आर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर सो आंसर विल बी ट्वेंटी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर ओके यानी कि टू फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा अब एक पीसा के भी कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं लास्ट ईयर आए थे क्योंकि पीसा अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है इनके आपके अलग से एग्जाम भी होते हैं और एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है तो देखिए पीसा का क्या क्वेश्चन है ग्रीसा ड्रॉ अ रेक्टेंगल ग्रीसा ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ ट्वेल्व है और ब्रेथ टेन है चलिए जो वो कहती जा रही है लिखते जाते हैं हम लोग सॉरी ट्वेल्व लेंथ टेन ब्रेथ एंड कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इसका एरिया कैलकुलेट करिए ओके ट्वेल्व इंटू टेन हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू टू ब्रेथ होता है 12 इन टू टेन विच इज इक्वल्स टू 120 ट्वेंटी वन स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है ओके मिसिज मनीषा आज ग्रीषा मनीषा ग्रीशा से कहती है कैन यू ड्रॉ अनदर न्यू रेक्टेंगल विद द सेम एरिया बट डिफरेंट साइड्स क्या तुम सेम एरिया का जिसका एरिया 120 ही हो लेकिन साइड डिफरेंट हो एक और रेक्टेंगल बना सकती हो ओके इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द रेक्टेंगल एज मदर आज येस डेफिनेटली पॉसिबल है इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारे रेक्टेंगल्स ऐसे बन सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है गिव द पॉसिबल मेजरमेंट फॉर द साइड ऑफ न्यू रेक्टेंगल नए जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी पॉसिबल मेजरमेंट्स क्या हो सकती है देखिए ऐसी दो साइड्स आपको ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 120 ट्वेंटी आए सिंपल तो एक हम ले लेते हैं 40 और 3 देखिए 40 और 3 के जो साइड वाला जो रेक्टेंगल होगा जिसकी लेंथ 40 है और ब्रेथ 3 है कैलकुलेट करिए कि उसका एरिया कितना होगा एरिया होगा फोर्टी इंटू थ्री यानी कि वन ट्वेंटी एरिया हमें वन ट्वेंटी ही चाहिए था है ना यहाँ भी वन ट्वेंटी यहाँ भी वन ट्वेंटी आप ये भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ट्वेंटी फोर और फाइव ले लीजिए लेंथ ट्वेंटी फोर है ब्रेथ फाइव है ट्वेंटी फोर इंटू फाइव भी वन ट्वेंटी होता है ट्वेंटी फोर के टेबल में है ना या फिर थर्टी और फोर ले लीजिए थर्टी और फोर का जो रेक्टेंगल होगा उसका भी एरिया 120 होगा कहने का मतलब है उनकी मदर ने तो एक ही कहा है हम बहुत सारे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आपको जो उसमें ठीक लगे आप वो ले लीजिए चलिए हम 40 और 3 वाला फाइनल कर लेते हैं अभी कि मान लीजिए ये हमने आंसर दिया अब आगे कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ ओल्ड एंड न्यू रेक्टेंगल पुराना जो आपका रेक्टेंगल था उसका पेरीमीटर देखिए कितना था लेंथ ट्वेंटी ब्रेथ फोटी पेरीमीटर होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सॉरी लेंथ ट्वेल्व ब्रेथ फोर्टी तो टू इंटू ट्वेल्व प्लस टेन ट्वेल्व प्लस टेन हो जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टूज आर फोटी फोर उसका पेरीमीटर था फोर्टी फोर जो नया है हमारा इसका पेरीमीटर कितना होगा टू इंटू फोर्टी प्लस थ्री यानी कि टू इन टू फोर्टी थ्री थ्री टू जार सिक्स फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स पेरीमीटर होगा इसका तो इसका पेरीमीटर फोर्टी फोर है इसका पेरीमीटर वन ट्वेंटी सिक्स है लेकिन एरिया इक्वल है तो यहाँ से हमें ये पता लगता है पीसा में थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज बेस्ड कि बहुत सारे ऐसे रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जिनके एरिया इक्वल हो बट पेरीमीटर डिफरेंट हो या फिर कई बार पेरीमीटर भी इक्वल हो जाते हैं और एरिया डिफरेंट हो जाते हैं ओके okay? तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन होपफुली पेपर आपको समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसमें आते होंगे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सुन जितने भी आपके रिमेनिंग आपके चैप्टर्स हैं रिमेनिंग सॉरी सब्जेक्ट्स हैं संस्कृत हिंदी इंग्लिश उनके भी पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे सो वेट फॉर दैट ऑल्सो ओके थैंक्स अगेन